हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि निफ्टी में आज बैठ के कल 14 तारीख का आज तो बहुत अच्छा दिन रहा। मार्केट कल से ही थोड़ा नीचे आया था, आज सुबह भी मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया और उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहीं तो भी बाय में भी आ चुके थे और ये प्रॉफिट भी हमने ले लिया है। अभी मैं बात करता हूँ कि सपोज अभी आप यहाँ पे अगर बैठे हैं, ठीक है, 14 को अगर आप यहाँ पे बैठे और अगर 15 तारीख को अगर आपको मार्केट में काम करना है, तो जो मार्केट ऐसे थोड़ा सा नीचे आया एक या दो दिन, सही है, उसके बाद जो लो बना के मार्केट ने ऊपर आना स्टार्ट किया, वो लो से मुझे डेटा लेना है। वो लो बनाया मार्केट ने 118.90 समथिंग का लो करके, मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ पे जो टाइम हुआ 11:45, मतलब जो पहली बार ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया वो 11:45, 12 बजे का मैं टाइम दे दूंगा यहाँ पे मेरे टूल को, स्विंग फाइंडर को, और उसके हिसाब से हम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम दिया होगा आपको, मैं अपडेट कर देता हूँ कि आज का डेट 14 दिया हुआ है, 12 बजे का टाइम दिया है, वहाँ पे मार्केट ने आज लो बनाया 12 बजे और उसके बाद 12 बजे का कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूस में कैलकुलेट बटन भी क्लिक किया हुआ है और ये प्रोसेस मेरे सामने आ चुका है। अभी मुझे क्या चाहिए कि जब मार्केट यहाँ पे था तो वो लेवल मेरे सामने इनिशियल फेज है। अभी मुझे चाहिए कि भाई मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 330 को मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, उसका लो देख लो आप मार्केट में कि 11952.76 का मार्केट ने लो किया हुआ है। तो इसके बाद अभी कल मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ से बाइंग करना है, नीचे आएगा तो कहाँ से शॉर्ट सेल करना है, क्या प्राइस सही है, कौन सा रेंज रहेगा, वो निकालने के लिए अभी हमें स्विंग फाइंडर का टेक्निक यूज करना है। तो सिर्फ ये जो लो है अभी 11952.76, इसे मैं बीच में लेके आऊंगा 11952, तो सीधा ऊपर आना है, अप फेस करना है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में गया है। 952 बीच में आ चुका है, देखो 11952 बीच में आ चुका है। तो कल के लिए सपोज दैट 15 तारीख को अगर किसी को निपटे में काम करना है तो अप ट्रेंड में निफ्टी है ऑलरेडी, हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई मार्केट ऊपर जाते दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर थोड़ा फिसलेगा भी तो डाउन ट्रेंड कब आएगा वो चीज़ आपको बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे पता चलेगा। अगर मार्केट कल ओपनिंग में ही 11905 के नीचे जाता है, उसके नीचे रुकता है पहले 15 मिनट में, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो समझ लेना मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो 950 या उसके ऊपर कहीं पे भी बाय करो, जब तक मार्केट 905 के नीचे डाउन साइड जाता नहीं तब तक निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगा 15 तारीख के लिए। आज 14 को शाम को 6 बजे बैठ के मैं बता रहा हूँ 15 तारीख को हमें क्या करना है, ठीक है। ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्राइस रेंज मैंने यहाँ पे दिया है कि ऑर्डर कैसे पंच करेंगे, तो 902 और ये रेंज है, इसके बीच में कहीं पे भी शॉर्ट सेल करेंगे आपको। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड अगर नीचे खुलता है 50-60 पॉइंट तो यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट सेल करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है 952 to 962 इसके ये रेंज में कहीं पे भी आपको मिल जाए तो आपको बाय करना रहेगा, इसके ऊपर बाइंग मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। अभी जो हमने स्विंग लो लेके कैलकुलेशन किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे डेटा दिया और यहाँ पे मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे स्विंग इक्वल टू लो आया रहेगा, ये स्विंग लो लेके जो आपने अभी कैलकुलेशन किया हुआ है ये कैलकुलेशन कंटिन्यू चलने वाला है हमारा तब तक अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। अगर सुबह ही मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड ये सेल की प्राइस के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हमें यहाँ पे डेटा अपडेट करना पड़ेगा, कब मार्केट ने हाई किया वो सब प्रोसेस जो मैं ट्रेनिंग में आपको सिखाता हूँ उसके अकॉर्डिंग लेवल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक मार्केट अप ट्रेंड में 11950 के ऊपर बाइंग करेंगे, जब तक मार्केट 905 की या तो उसके नीचे मार्केट जाता नहीं तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। इस सबसे प्रिसाइज लेवल है 950 को बाय करेंगे, 905 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। इस सबसे आज बैठ के 15 तारीख का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, लेवल दिया है, एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे करना है कैसे करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टारगेट टॉप लॉस कैसे रहते हैं क्या चीज़ है हर चीज़ यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको टारगेट भी पता चलेंगे, टॉप लॉस भी पता चलेंगे और एक चीज़ पता चल जाएगी, और मार्केट में जब मार्केट ओपन होगा गैप अप होगा क्या करना है, गैप डाउन होगा क्या करना, हर चीज़ मार्केट में जैसे मार्केट खुल जाएगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। 9:15 के बाद जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो 9:30 के बाद 9:30 के रेट पे अगर 9:30 का रेट इसके ऊपर है तो आप सीधा बाय कर सकते हो, इसके नीचे तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, और 9:30 के बाद ट्रेड करना स्टार्ट करना है। मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको सपोज मार्केट ने 940 का लो किया और सीधा अगले 5-10 सेकंड में ही मार्केट 980 चल रहा है सपोज, फिर ट्रेड लेना कैसे समझ में नहीं आता, 950 हो गया था लेकिन ट्रेड मिस हो गया ऐसा लगता है, और उसके बाद वापस 5 मिनट के बाद 950 आता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि पहले 15 मिनट मार्केट में थोड़ा देख लेंगे क्या मार्केट में हलचल हो रही है और 9:30 के बाद ट्रेड हमने लेना स्टार्ट कर देंगे। तो 950 के ऊपर अपना बाय, 11950 के ऊपर बाय रहेगा कल के लिए, और 11905 के नीचे
डाउन ट्रेंड मार्केट में रहेगा, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया हुआ है, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।